हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइस हम लोग यहां पर बातें करने वाले हैं दो क्रीम्स के बारे में, जो कि एक है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम एंड सेकंड वन इज़ लोटस हर्बल वाइट ग्लो डीडी क्रीम। तो ये मैट लुक फिनिश में डीडी क्रीम है और ये यहां पर है पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी बीबी क्रीम। तो पॉन्ड्स वाइट क्रीम जो है गाइस, वो क्लेम करती है कि ये इंस्टेंट स्पॉट कवरेज करती है, साथ ही साथ देती है आपको नेचुरल ग्लो। इसमें ये मेरा शेड है 01 नेचुरल। एंड जो सेकंड वन क्रीम है गाइस, वो है मैट लुक फिनिश देती है डीडी क्रीम, साथ ही साथ इल्यूमिनेटिंग फोटो फिनिश एंड ऑल स्किन टाइप्स। तो ये दोनों ही क्रीम्स जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज ये ऑल स्किन टाइप्स हैं, आपकी स्किन किसी भी तरीके की है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ पॉन्ड्स की, तो ये मेरे पास इसका बड़ा वाला पैक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 50 ग्राम्स का पैक है गाइज। एंड यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन किया गया है जो कि है 410 रुपीज़। तो अराउंड 410 रुपए की है ये 50 ग्राम्स का पैक। एंड ये वाला जो पैक है गाइज मेरा, ये 30 ग्राम्स का पैक है एंड यहाँ पर इसका प्राइस इसके बैक साइड में मेंशन किया है जो कि है 275 रुपीज़। तो इसमें है मेरा शेड पिंक बेज एंड इसमें है मेरा शेड 01 ओरिजिनल। तो जिन भी लोगों की स्किन टोन जो है गाइज वो फेयर है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसमें लिया है 01 ओरिजिनल। तो मैं आपको इन दोनों के शेड में डिफरेंस दिखाती हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। तो ये आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी जो है ये लगती है और अच्छे से जो है ये आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से गाइज हम इसे ब्लेंड करेंगे तो ये इजीली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाती है। तो ये इजीली मेरी स्किन में जो है अभी एब्जॉर्ब भी हो गई है। और अभी मैं आपको सेकंड वन दिखाती हूँ जो कि है मेरी लोटस हर्बल की डीडी क्रीम। तो इस साइड मैंने ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगाई है, ये आगे की तरफ मैं आपको थोड़ी सी डीडी क्रीम लगा कर दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं गाइज। तो अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों में से कौन सी बेटर है, तो मैं आपको बताती हूँ गाइज, लोटस हर्बल की क्रीम जो है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी है बजाय इसके। ये थोड़ा सा ब्लेंड होने में तो टाइम लेती है, लेकिन ये इंस्टेंट स्पॉट कवरेज करती है। तो आप देख सकते हैं डीडी क्रीम जो है वो ज़्यादा फेयर लुक देती है बजाय आपकी पॉन्ड्स बीबी क्रीम के। तो मुझे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे ये डीडी क्रीम। ये आपको एक फेयर लुक तो देती है बट कवरेज बिल्कुल भी नहीं देती है। एंड लोटस हर्बल की जो डीडी क्रीम है गाइज, वो बहुत अच्छा कवरेज देती है, आपके जितने भी थोड़े बहुत स्पॉट्स होते हैं फेस पर उनको अच्छे से कवर अप कर लेती है एंड जो भी आपके रिंकल्स वगैरह होते हैं उनको भी अच्छे से कवर अप करती है और अच्छा मैट फिनिश देती है। बिल्कुल वाइट ब्यूटी लगाने के बाद में वो मैट फिनिश नहीं मिलता है जो कि आपको लोटस वाइट ग्लो में मिलता है। तो एक अच्छी मैट लुक के लिए अगर आप कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी लोटस हर्बल की वाइट ग्लो डीडी क्रीम आप ट्राई कर सकते हैं। ये समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों की स्किन जो है गाइज वो ऑयली होती है उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है इस तरीके की क्रीम्स में से किसी को चूज करना, क्योंकि जरा सा लगाते ही अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो एक शाइन सी फेस पर दिखने लगती है। तो वो पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी में आपको इजीली विजिबल हो जाता है अगर आपको स्वेटिंग होगी तो, लेकिन लोटस हर्बल यूज़ करने के बाद में आपको कितना भी स्वेटिंग हो रही है वो कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आती है। एकदम अच्छे से ये इल्यूमिनेटिंग फोटो फिनिश देती है एंड ऑल स्किन टाइप्स है। तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि जब भी इस तरीके की कोई क्रीम आप ट्राई करें तो हमेशा स्मॉल पैक से ही ट्राई कीजिएगा। तो मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने बड़ा लिया बट ये मुझे अभी इतनी सूटेबल मेरी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं लग रही है तो मैं इसे यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो ये मेरा पैक जो है एज इट इज़ पड़ा है, कभी कोई क्रीम जो है मेरी फिनिश हो जाती है तो उस टाइम पे ये मेरा काम आ जाता है मेरी वैनिटी में, अदरवाइज़ जो है मैं लोटस हर्बल को प्रेफर कर रही हूँ। तो आप भी एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आई होप गाइज कि मेरा ये रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।